अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सीपीयू, यानी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब भी सीपीयू का नाम लिया जाता है तो आपके जहन में जो चीज़ आती है वो है ये एक बॉक्स। ये बॉक्स जो है आप लोग समझते हैं कि सीपीयू है, जबकि ऐसा नहीं है। इस बॉक्स को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट एक ऐसा यूनिट है, यानी एक ऐसी केसिंग है, ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं या अटैच हो सकते हैं या होते हैं हमारे पास। अगर ये बॉक्स सीपीयू नहीं है तो फिर सीपीयू हमारे पास क्या है? आइए देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है हमारे पास। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू है उसको हम अपना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अब जो सीपीयू का काम है वो क्या करता है कि डाटा लेता है इनपुट, यानी हमारी इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेस करता है डाटा और फिर हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसके बाद जो है ये क्या करता है, हमारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, यानी प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारा कोई भी टास्क या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड करती हैं या कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है उनको। उसके बाद ये कहते हैं कि इट इज लाइक अ रियली फास्ट कैलकुलेटर, यानी एक बहुत फास्ट कैलकुलेटर भी है, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह ही है ये काम करता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो बेसिकली जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली की एक चिप है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होती है और जिसमें सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये हम सिस्टम यूनिट के अंदर देखते हैं। अभी सिस्टम यूनिट के अंदर आपको एक ग्रीन कलर का बोर्ड नजर आ रहा होगा, ये क्या कहलाता है, आपका मदरबोर्ड। इस बोर्ड के ऊपर एक आपको फैन लगा हुआ नजर आ रहा होगा जो कि ये है। इस फैन के नीचे आपका सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो कि आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। जिस तरह हमारा ब्रेन हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह सीपीयू जो है कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स यानी तमाम पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पार्ट्स यानी ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू को। सीपीयू के दो मेन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट और सेकंड इज कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है वो कंसिस्ट कर रहा होता है हमारे तमाम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस पे। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, ये चारों ऑपरेशंस मिलकर क्या कहलाते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली कंपैरिजन यानी कंपैरिजन ऑफ नंबर, लेटर्स और स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। जो नंबर्स होते हैं उनसे आप फिगर करें कि 0 to 9 आपके पास जो है वो नंबर होंगे, लेटर्स जो होंगे वो A to Z होंगे और स्पेशल करेक्टर जो होते हैं वो आपके पास $, या है सिंबल कोई भी, इस तरह की जो भी है सिंबल्स वो सारे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। और कंप्यूटर जो है फिर इसी कंपैरिजन के रिजल्ट के बेस पे कोई ना कोई एक्शन को परफॉर्म करता है। इसके बाद जो है हमारा जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो टेस्ट होते हैं तीन कंडीशंस पे, और वो तीन कंडीशंस के हैं कौन कौन सी हैं, इक्वल टू कंडीशन, लेस देन कंडीशन और ग्रेटर देन कंडीशन। अब इक्वल टू कंडीशन आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि टू वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि आया ये इक्वल है या नहीं है। इसके बाद जो है लेस देन कंडीशन, लेस देन कंडीशन में भी क्या किया जाएगा कि टू वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि विच वन इज लेस देन एंड अदर। इसके बाद ग्रेटर देन कंडीशन, ग्रेटर देन कंडीशन में क्या होता है, वही बात के सेम टू वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा लेकिन देखा यह जाएगा कि विच वन इज ग्रेटर देन एंड अदर। इसके बाद अब आ जाता है सेकेंड पार्ट, यानी हमारे सीपीयू का सेकेंड पार्ट जो कि क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है हमारे सर्किट के ऊपर जो कि जनरेट करता है सिग्नल्स को, और वो सिग्नल्स जो है पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बताते हैं कि कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल यूनिट जो है बेसिकली खुद से कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेकिन या कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेकिन वो दूसरे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को यानी दूसरे सिस्टम के पार्ट्स को बता रहा होता है कि तुमने इस वक्त ये काम करना है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। अब जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो कंसिस्ट कर रहा होता है हमारे पास दो चीजों के ऊपर, एक होती है नहीं जो हमारा कंट्रोल यूनिट है अब जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है कुछ क्लॉक पल्सेस। अब क्लॉक पल्सेस क्या है आपके पास, एक यूज्ड होती हैं रेगुलेट
अब कंट्रोल पल्स क्या है आपके पास? कंट्रोल पल्स बेसिकली आपके पास यूज होती है आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट का मतलब होता है ठीक या दुरुस्त करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास एक स्टोरेज लोकेशंस होती हैं जिसमें आप अपने डाटा को यानी अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं जो कि उसी वक्त करंटली प्रोसेस्ड होने वाली होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ यू कैन लर्न दिस टॉपिक फ्रॉम योर नोट्स। अल्लाह हाफिज़।